बारिश के बाद जो सड़क में पानी भर आया है और वो सड़क का पानी घरों तक पहुंचाया है, ये हम कुछ घर को दिखाने वाले हैं जिन घरों में पानी पहुंच चुका है जो सड़क के किनारे हैं, क्योंकि उस सड़क में गड्ढे हैं और गड्ढे को ऊपर नहीं किया गया, जिसके चलते ये जो पानी है यहाँ पर गलियों में, गली है एक कजडोल नगर पंचायत में, वहाँ पर पहुँच चुका है। हम घर में अंदर आते हैं, देखिए किस तरह से इस घर में पानी, ये देखिए मैं कैसे खड़ा हूँ। पहले मैं अपने आप को दिखा लूँ कि किस तरह से ये जो पानी है घर में कितना घुस चुका है। हम अंदर आने का प्रयास करेंगे और आराम से ये देखिए किस तरह से जो घर में पानी है यहाँ पहुँच चुका है। घर की स्थिति को देखिए कि बारिश के बाद जो लबालब हो चुकी है ये घर की स्थिति। बेड यहाँ पर है, टीवी यहाँ पर है और देख सकते हैं जो पानी है यहाँ पर स्थिति। आप देखिए कि एक एक कमरे में जो मकान है उनके एक एक कमरे में यहाँ पर पानी पहुँच चुका है। ये देखिए किस तरह से जो बारिश का पानी है लोगों के घरों तक पहुँचाया है। और हम और इधर आगे आएंगे और घर के लोग हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये समस्या हुआ थे पानी भरे थे, बहुत समस्या होते, रांधे खाए कुछ नहीं बनाते व्यवस्था, ना नगर पंचायत वाला आके देखाते ना कुछ कराते। जब भी बारिश हुआ थे तब भी सस्ने होते, हर साल बारिश में कई साल लगभग परेशान हुआ। अब 4-5 साल हो जाइए करा सड़क के पानी आते है, मैंने पहले नहीं आते रही सड़क के पानी, आप पूरा आप पेल दे थे घर में। कारण का है लगभग आप लगा पुल बने है ना ती करा ला ज्यादा आते पानी, और जमीन में मकान खरीदा थे जमीन ला ते वन पाटा थे तो नाली नहीं निकाला थे तेकर नाम से पानी है घुसा थे, नहीं पहले नहीं घुसा थे हमारे यहाँ पानी। खाना पीलन ले कभी कैसे करा था, कब ले भरे पानी, कई दिन हो गए? रात के भरे पानी। अभी खाना वाना कैसे करा था? अब काय कर इसने परे हन ओकरे नाम से मोर बेटा बहु मन पौर से मन किराया में चल दे अलग रहते, आप कर कमाने वाला है मोर नहीं, मैं राड़ी रात ही हम मोर आदमी हाँ 14-15 साल हो गए खत्म हो तो मोर कोनो नहीं देने वाला, ते दे मैं घर में परे हाँ। देख सकते हैं कितनी समस्या होती है जब घर में पानी भर जाती है, लोगों को तो बस यूं ही लगता है ये गैस सिलेंडर है जो कुर्सी के ऊपर रखा हुआ है। और आगे लाएंगे कि किस तरह से जो किचन की स्थिति, आप देखिए कि किचन यहाँ पर मौजूद है और किचन में पानी भर आया है। ये इंडक्शन है, ये छोटा वाला गैस सिलेंडर है, ये पूरे बर्तन यहाँ पर मौजूद है। खाना नहीं बना हुआ है आज इस घर में क्योंकि पानी को निकालते निकालते ये थक चुके हैं। ये जो बाल्टी है ये देख सकते हैं इससे ये लोग पानी निकालते हैं, इसी ये पानी अभी भी इस घर में मौजूद है क्योंकि बारिश का पानी जो सड़क का पानी है यहाँ पर भर चुका है। ये देखिए और ये जो कमरे हैं वहाँ पर भी देखिए कि बारिश से कोई भी बिस्तर या फिर कोई भी जो कपड़ा है वो भीग ना जाए, इसके लिए यहाँ पर ये लोग ऊपर कर दिए हैं व्यवस्था अपनी बना लिए हैं। और आपको बताएंगे कि आखिर ऐसी स्थिति कैसे कि किस तरह से नीचे दिखाना चाहते हैं कि जो पानी है वो पहले वहाँ तक था, उसके बाद कम होते 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 वो नीचे आ गया है। लिहाजा आखिर नगर पंचायत के अधिकारी या प्रशासन के आला अधिकारी इस पर क्या करते हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। योगेश यादव, न्यूज़ 18, बलौदा बाजार।